हेलो सर, माय नेम इज इकबाल, आई एम ए पीआर एस्पायरिंग फिल्म मेकर। आई एम कंफ्यूज कि किनसे सवाल करूँ, ऑल आर टैलेंटेड। हाउएवर आफ्टर भूल भुलैया सक्सेस देर इज अ नो डैट कि इंडस्ट्री के मोस्ट बैंकेबल फिल्म डायरेक्टर अमित सर है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट अमित सर आफ्टर बधाई हो, तो हाउ डू यू टेक दिस अप्रिशिएशन सर, मोस्ट बैंकेबल डायरेक्टर फिल्म मेकर? Nothing. God is great and we are very happy. और एक ये लगता है कि जो मेहनत की है वो कामयाब हुई है, लेकिन ये कोई भी जो कामयाबी है वो यहाँ पर आप ऐसा नहीं सोचते ये परमानेंट है, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना है। और हार्डवर्क के साथ साथ मुझे लगता है जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका लक भी आपको साथ देना चाहिए। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं और सारी चीज़ें मिलती हैं, एंड अगर ऊपर वाला मदद करता है तो ये कामयाबी मिलती है। दैट्स इट। अमित सर, योर टेक। यार मैं बस ये दुआ कर रहा हूँ कि बस मैदान चल जाए और ये जो तमगा आपने दिया है मुझे अभी, ये बरकरार रहे। नितेश सर के साथ भी आफ्टर दंगल दे वाज रिटेन मैनी न्यूज़पेपर मैगजीन मोस्ट बैंकेबल फिल्म डायरेक्टर ऑफ इन द इंडस्ट्री, हाउ डू यू टेक दैट अप्रिशिएशन सर? No, I feel very humbled, but like Anish sir said that I also know it's momentary, you know, it may not be there tomorrow. I think that is something which helps me remain grounded. So that's the way I take it. Imtiaz sir, your view. Sir, ek sir. मेरे बाद बाकी लोग भी views दे देना, वरना वो सबसे उसको पूछना पड़ेगा। I think okay, सबने जो कह दिया वो absolutely बहुत सही बात कही है, आप गांठ बांध लीजिए। मगर एक चीज़ मैं बोलूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जो मेरी सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड कहानियाँ रही हैं वही सबसे ज़्यादा बाद में बॉक्स ऑफिस पे चली हैं। दिस आई विल नॉट गेट इनटू द एग्जांपल ऑफ इट बिकॉज इट विल साउंड लाइक बोस्टिंग, बट दिस इज 100% एक्यूरेट। एंड सेवरल टाइम्स फॉर ईयर्स and years things have been rejected and some other things have just been accepted immediately and not been so successful. So it's a tricky slope out there, my friend, the other one. Yes, actually I was going to say, I stand corrected. So I said don't lose heart because of rejection, celebrate when you are rejected. newcomers ke liye imtiaz ne jo baat boli hai wo bahut badi hai ke agar आपकी कहानी रिजेक्ट हो रही है तो आप मन में बिना किसी को बोले ये भी समझ सकते हैं कि शायद इस आदमी को इतनी समझ नहीं है।